नाजरीन, सखर से कराची जाने वाली ट्रेन को हादसा पेश आया है। आमदोरफ्त मुअत्तल है। रेलवे के टेक्निकल अमले ने हादसे के बाद मुरम्मती जो काम है वो शुरू कर दिया है। ये लाइव मनाजिर आप देख सकते हैं, ये फुटेज देख सकते हैं आपके। ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई है और कितनी बोगियों को नुकसान पहुंचा है, क्या तफसीलात हैं, इसमें कोई जानी नुकसान हुआ या सारी तफसीलात आपको वीडियो में बताते हैं। कोटरी जंक्शन पर सखर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की तीन बोगियां पटरी से उतर गई हैं, जिसके बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। सखर एक्सप्रेस कराची से कराची जा रही थी कि कोटरी जंक्शन पर हादसा पेश आया है, जिससे ट्रैक को नुकसान पहुंचा है। रेलवे के टेक्निकल अमले ने हादसे के बाद मुरम्मती काम जो है उसको आगाज कर दिया है। रेलवे हुकाम ये कहते हैं कि तीनों मुतासर बोगियों को दीगर बोगियों से अलग करके मुसाफिरों को दूसरी जो बोगिया है उनमें मुंतकिल कर दिया गया है। और ये अहम खबर जो है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हैदराबाद स्टेशन पर मेहरान एक्सप्रेस और बहावलद्दीन जकरिया एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेन जो हैं उनको रोक दिया गया है, क्योंकि जब तक ट्रैक को बहाल नहीं किया जाता है उस वक्त तक कोई मजीद हादसा रोनुमा ना हो। तो कोटरी जंक्शन पर ये सखर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन को हादसा पेश आया है। तीन बोगियां पटरी से उतर गई हैं। अभी जो रेलवे हुकाम है उनका कहना है कि हादसे में कोई जानी नुकसान की इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और तहम अभी चूंकि हादसा हुआ है और शायद इस हादसे में जो है वो कुछ लोग जख्मी भी हुए हों, अभी इस हवाले से कोई तफसीलात नहीं पहुंच रही, लेकिन हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। और हादसे की इतला मिलने के बाद रेलवे के टेक्निकल अमले ने हादसे के बाद मुरम्मती जो काम है उसका आगाज कर दिया है। तो नाज़रीन, वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मौसूल होते रहें। बहुत शुक्रिया।